के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज सोमवार है, देवों के देव महादेव का दिन है, इसीलिए हमने शो की शुरुआत भी शिव आराधना से की है। शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ये सभी नाम शिव जी के स्वरूप दर्शाते हैं। आज शिव जी के इन्हीं स्वरूपों की हम बात करेंगे। शिव के स्वरूप से जुड़े और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। शिव का स्वरूप कैसे बदलेगा आपका जीवन, क्या कहता है शिव का डमरू और त्रिशूल, रुद्र के तांडव और त्रिनेत्र का पूरा सच जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरु जी, आज हम जैसे कि हमने दर्शकों को बताया कि शिव जी की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि शिव जी के स्वरूप का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटा, कहते हैं कि सबसे पहले धरती पर भोलेनाथ ही है और उनके माता पिता का भी पता नहीं, ये सत्य बात है बेटा। ये हमारे शास्त्रों ने हमें ये सिखाया है, कैसे हुई इसका गहरा ज्ञान अभी तक नहीं पता चला। समझे, मानव बन कैसे गया। ठीक है, शिव भोले यानी कि वो असीम शक्ति जो इंसान को धरती पर पैदा भी करती है और उसका संहार भी करती है, यानी कि जीवन और मृत्यु इन दोनों के ही जो कारक है वो भोलेनाथ है। जब ये जीवन देते हैं तो ये शिव भोलेनाथ होते हैं, ठीक है, और जब ये जीवन लेते हैं तो ये शंकर होते हैं। बेटा, भोले जी का जो स्वरूप है वो हमें ये दर्शाता है कि सही मायने में एक इंसान को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह से उसको अपनी जिम्मेवारियों का पूरा एहसास होना चाहिए, किस प्रकार से अपनी गृहस्थी को लेकर के चले, किस तरह से समाज को लेकर के चले और किस तरह का दिल और दिमाग होना चाहिए। बेटा, भोलेनाथ जी का पूर्ण स्वरूप यही समझाता है। समझिए, और इसके अंदर आपने भोलेनाथ जी के स्वरूप के अंदर खास चीज क्या देखी कि उनके अंग के ऊपर जो वस्त्र है वो कोई महंगे वस्त्र नहीं है, सिंपल वस्त्र धारण करते हैं जिसके अंदर की वो किसी जानवर की खाल पहन के ही बैठ जाते हैं आसन के रूप में, तब भी एक जानवर की खाल के ऊपर ही बैठ जाते हैं। यानी कि आदमी को इतना ज्यादा सिंपल होना चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं होना चाहिए कि वो कहां तक का शक्तिमान है, कहां तक का वो समृद्ध है और कहां तक उसके अंदर ताकत है और वो क्या कर सकता है, इस चीज का जो एहसास है वो अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, लेकिन जरूरत के वक्त पे अपनी हर ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। भोलेनाथ का स्वरूप आपने देखा होगा कि कितनी शांत मुद्रा में रहते हैं, इस प्रकार से गृहस्थी के हर बड़े मर्द को अपने आप को बिल्कुल शांत बनाना चाहिए। जिस प्रकार से भोलेनाथ आसपास में आप देखते हैं कि उनके गण किस तरह से विद्यमान रहते हैं, बेटा इतना नरम दिल और अच्छा इंसान होना चाहिए कि अपने आसपास रहने वाले अपने पे आश्रित या अपने से छोटे लोग या फिर अपने से कम काम करके कम समृद्ध लोगों को भी अपने साथ मिला करके रखना चाहिए, उनके अंदर उनको उनके दिलों में एक तरह का रहना चाहिए। समझिए, और किसी के साथ में भी वैर भाव नहीं रखना। अब भोलेनाथ के घरों में भूत भी है, प्रेत भी हैं, समझिए, और भी कई तरह की शरारतें करने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन इन सब की शरारतों को सहते हुए
अपने साथ मिला करके रखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके आसपास के बहुत दूर तक के जो लोग हैं, जिनको आप जानते हैं, वो सब अलग अलग दिमाग के हो। कोई बहुत ज्यादा शरारती होगा, कोई बहुत ज्यादा भोला होगा, कोई खाम खाई का दूसरों को छेड़ करके पंगे लेने वाला होगा, और कोई किसी की मदद को हर वक्त आगे रहने वाला तैयार होगा। क्योंकि इंसान की मानसिकता अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन कभी किसी के साथ ना बिगाड़ो। टूटा हो सके तो आप बड़े बन के उनको समझा करके उनको अपने हृदय के साथ लगा करके रखो, और जब वक्त पड़े और जब आपको जरूरत हो उस वक्त में इन सबको इकट्ठा कर लो अपनी सेना के रूप में, ताकि दुनिया को समाज को दिखाया जा सके कि आप भी ताकतवर है और आपके साथ में पूरा समाज है, आपका पूरा मोहल्ला है, आपके पूरे जानकार है। भोलेनाथ का स्वरूप ये समझाता है। फिर गृहस्थी के मामले में आपने भोलेनाथ को देखा होगा कि भोलेनाथ की दो शादियां हुई। पहली शादी हुई सती के साथ में। सती के साथ में जब शादी हुई तो सती बहुत गुस्से वाली थी। उन्होंने स्वयं भोलेनाथ जी को प्यार करके जिद के रूप में भी प्राप्त किया, समझे? और उनको प्राप्त करने के बाद में उनके लिए घमंड सबसे बड़ी चीज बनी। यानी कि जैसे ही अपने पति का अनादर देखा तो उस वक्त वो गुस्से में बिल्कुल भर गई, और उसके बाद अपने पिता के यहीं पर होने वाले यज्ञ के अंदर कूद करके ही अपनी जान ले ली। समझे? ये वाली चीज आप देखिए कि घर के अंदर औरत गर्म दिमाग की भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद प्यार से मिलना, प्यार से समझाना, प्यार से समझा बुझा करके अगर कोई अपने ही रिश्तेदार, जैसे भोलेनाथ के रिश्तेदार, यानी कि उनके ससुराल वालों ने भी गलती करी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सती को बहुत अच्छी तरह से समझाया बुझाया और कोई इनकार नहीं किया और ये कहा कि नहीं, वो जैसे करते हैं उनको करने दो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बेटा, इस तरह की सोच समझ का मालिक घर का बड़ा होना चाहिए, ये समझाते हैं भोलेनाथ। उसके बाद पार्वती मैया से शादी, और पार्वती मैया से जब शादी हुई तो उसके बाद भी भोलेनाथ ने हमेशा ही अपनी गृहस्थी को अच्छा रखा। पार्वती मैया स्वयं त्याग की देवी रही हैं, तपस्या करके उनको पाया, उनके अंदर सब्र बहुत रहा, तो फिर दुनिया के सामने एक और स्वरूप आया कि गृहस्थी सही मायने में होनी तो होनी कैसी चाहिए और किस प्रकार से अपना रुतबा हमेशा ऊपर रखना चाहिए। ऊपर रखने के लिए, रुतबा ऊपर रखने के लिए आपको दान देना बहुत जरूरी है, दूसरों के ऊपर दया करनी बहुत जरूरी है, और जो भी आपके दर पे आ जाए उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये भोलेनाथ ही समझाते हैं। जिस प्रकार से भोलेनाथ की अगर तपस्या भस्मासुर ने भी करी तो उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी कि याचक मेरे दर पे आया है, मेरे से लेने वाला आया है, वो क्या दे रहे हैं ये नहीं देखा। इसी प्रकार से आपके घर पर भी जो याचक बन के आ जाए उसके ऊपर दया जरूर करो। गुरु जी, शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है, बिल्कुल। इस स्वरूप का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह का प्रभाव देता है ये स्वरूप? बेटा, आज जो मैं ये स्वरूप आपको समझाऊंगा, अगर आपने इस स्वरूप को अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी के अंदर ज्यादातर दुख आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। और वो क्या है? समुन्दर मंथन में क्या चीज प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन इस्तेमाल किया गया, यानी कि धरती के अंदर बसी, समुद्र के अंदर बसी हुई जो समृद्धियां हैं, आप इसको ऐसा लगा लो कि जैसे बहुत सारे लोग मिलकर के एक बिजनेस करने लगे हैं और जिसके अंदर रुपया पैसा मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, ठीक है? अब उसके अंदर एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे, और जो मंथन भी किया गया वो कैसे, आप भूल जाइए कि वहां पर नाग देवता थे, शेषनाग थे, आप ये भूलिए कि एक सांप, यानी कि बिजनेस जब भी किया जाता है बेटा, वो एक ऐसी चीज के साथ किया जाता है जिसके अंदर खतरा होता है कि ये डूब भी सकता है और ये कामयाब भी हो सकता है, तो इसीलिए एक सांप को एक स्वरूप दिया गया, ठीक है? तीसरी चीज,
अब इसके अंदर जब आपके साथ काम के अंदर पार्टनर जुड़ते हैं, जब पैसा आने लगता है तो बहुत सारे लोग चालाकी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे राहु ने किया। राहु जब ये बट रहा था उस वक्त में देवताओं के बीच में जाकर के बैठे और अमृत पान कर गए, अमृत भी किया। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ करके जब आप काम करते हो तो कई लोग बहुत चालाकी दिखाते हैं, कई लोग आपका साथ देते हैं, कई लोग आपकी ताकत बनते हैं और कई लोग आपके खिलाफ ही प्लानिंग करते हैं। अब इस सारे सीन को समझते हुए जो इंसान हर किसी के द्वारा की हुई वफा या चालाकी अपने अंदर रख लेता है लेकिन बोलता नहीं, और उसके अनुसार जो चालाक है उसको पहचान करके अलग रखना और जो वफादार है उसको पहचान करके अलग रखना, और वक्त पड़ने पर बिना उनको कहे कुछ भी बेटा उनसे काम ले लेना। बेटा ये वाली तरकीब जो होती है भोलेनाथ के नीलकंठ होने के स्वरूप दिखाती है। कैसे? काम के अंदर चलते हुए कोई आपके खिलाफ बातें करता है, कोई बात नहीं, अपने अंदर रख लीजिए, अपने कंठ पे रख लीजिए, ना अंदर जाने दीजिए ना सर पे चढ़ने दीजिए, समझे। और कोई भी उसमें से चोरी करता है तो तब भी उसको सजा तो जरूर दो लेकिन उसको बहुत बुरा भला नहीं कहना, समझे। यानी कि अपने कंठ के ऊपर आई हुई बात यहीं पे रहे, जुबान से ना निकले, ठीक है। इस तरह से हर किसी का दिया हुआ सुख और दुख आप अपने गले तक ही रखिए, उसे अंदर लेकर के जाएंगे तो वो भी आपके लिए घातक है, यानी कि फिर वो आपको दुश्मन बना देगा उनका। पर अगर दिमाग पे चढ़ाओगे तो बेटा ये जुबान के रूप में निकलेगा बार और आपकी दुश्मनी पड़ जाएगी और फ्यूचर में आप कभी भी उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने किसी भी काम के लिए। इसीलिए आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो वफादार, चाहे वो बेवफा, चाहे वो चालाक, चाहे वो सीधे, बेटा वो आपकी पूंजी है, आपकी ताकत है। उनको वक्त के ऊपर इस्तेमाल करना सीखो, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को, जो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, समझे, उनको जांचो परखो और किस वक्त में किससे क्या काम लेना है ये अपने दिमाग में भरो। उनकी कही हुई बातें, उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म, उनको अपने अंदर पाल करके, अपने पेट में ले जाकर के पाल के उनके साथ दुश्मनी नहीं बनानी। इसीलिए बेटा वो जो समुन्द्र मंथन में से जहर निकला वो आप ये समझ लीजिए कि चालाक लोग जो तेज लोग थे उस वक्त में जो असुर थे बेटा वो उन्हीं का एक तरह का किया हुआ कर्म लगा लीजिए या उनके द्वारा प्रदान की गई चीज लगा लीजिए जिसके द्वारा कि भोलेनाथ चाहते नहीं थे कि ये बिगड़ जाए। वो हमेशा इस ताकत को इकट्ठा ही रखना चाहते थे कि राक्षसगण हो चाहे देवगण हो ये दोनों आपस में मिलकर के एक ताकत बनके कुछ भी कर सके। ये काम जो करवा सकता है वही भोलेनाथ होता है, जो किसी भी कहे के हुई किसी की गई चालाकी को भी अपने कंठ पे रखता है और उसको माफ करके उससे काम लेता रहता है, बेटा वो भोलेनाथ का स्वरूप कहलाता है। इसीलिए भोलेनाथ को नीलकंठधारी भी कहा जाता है, और विष जो उन्होंने पिया वो हमेशा अपने यहाँ रखा, क्योंकि विष अगर दुनिया में उतरता यानी कि जुबान के रूप में बाहर से निकलता तो बेटा वहीं पे लड़ाइयां हो जाती और जो कि इस धरती का, अपने काम काज का, अपने समाज का हाल खराब कर देती। तो इसीलिए मुंह से कड़वा बोल निकालने से पहले किसी के भी खिलाफ सोच लीजिए कि इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले। गुरु जी अब आपसे जानना चाहते हैं कि शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल रहता है, एक हाथ में डमरू रहता है, ये स्वरूप क्या दर्शाता है, हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालता है? बेटा पुराने समय में ना लोगों के पास में ज्ञान नहीं हुआ करता था, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, भोले हुआ करते थे। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं जो लोगों को समझाना चाहते थे सब कुछ, वो क्या करते थे, भगवान का स्वरूप एक बनाते थे और स्वरूप बना करके उसके अंदर हर चीज को उसकी जगह पे लगाया करते थे जो समझाने के लिए होती थी कि सही मायने में इसका मतलब। आप देखो पुराने समय के अंदर जब भी लोगों को इकट्ठा करना होता था तो क्या किया जाता था, शंख बजाया जाता था, डबरू बजाया जाता था और नगाड़ा बजाया जाता था। और नगाड़ा तो बहुत बाद में आया, सबसे पहले शंख और डमरू हुआ, समझिए। तो डमरू का मतलब यह है कि आप एक बड़े इंसान हैं और आप डमरू बजा करके किसी भी तरह की अपनी फौज को इकट्ठा कर सकते हैं। खुशी के वक्त में भी डमरू बजा करके सबको बुलाना और उनके साथ खुशी मनाना, और जब बुरा वक्त आए
कोई दुश्मन सामने आए तब भी डमरू बजा करके अपने लोगों को इकट्ठा करके उसका मुकाबला करना। तो डमरू का अर्थ ये होता है। और आज के जमाने में डमरू क्या है? आज के जमाने के अंदर वही डमरू आपका फोन बन चुका है, यानी कि आप एक फोन कॉल के अंदर चाहो तो कितने भी लोगों को बुला सकते हैं। समझे? ये चीज जो त्रिशूल है, त्रिशूल ताकत का प्रतीक है, एक झंडे का प्रतीक है। यानी कि त्रिशूल जिसके हाथ में होता है बेटा, वो ताकत का प्रतीक बन जाता है कि ये शख्स ताकतवर है। और इसके साथ में बेमतलब का पंगा नहीं लेना, यह हमारा आदरणीय है और इसकी इज्जत आपको जरूर करनी है। इसी वजह से हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग पहले हुआ करते थे, आप देखो वो सर पर पगड़ी बांधा करते थे जो मध्य, और हाथ में एक लाठी जरूर रखा करते थे। समझे? जब एक खास उम्र तक का इंसान आ जाता है तो उसके हाथ में लाठी दे दी जाती है, यानी कि घर का मोहरी बन गया। अब इसके कहने पे ही इसका घर और इसका समाज चलेगा। तो बेटा ये उस चीज का प्रतीक होता है, और ये त्रिशूल बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रतीक माना गया है। भोलेनाथ की जितनी शक्तियां हैं वो सब त्रिशूल में ही दिखाई गई है। बेटा ये बिल्कुल सत्य है। पुराने समय के अंदर ये साइंस हुआ करती थी कि तीर कमान में भी, त्रिशूल में भी, हर चीज में भगवान अपनी शक्ति डाल के रखा करते थे। लेकिन आज के अनुसार आप यही समझो बेटा कि जो शक्तिमान होगा उसका एक स्पेशली साइन होता है। समझे? कई लोगों को आप देखते हैं कि उनका ड्रेस कोड आजकल बड़ा डिफरेंट हो जाता है, उनकी ताकत का प्रतीक बनता है। कई लोग एक स्पेशल किस्म का सर ढक के रखते हैं, कैप रखते हैं। आप तरह तरह के डिपार्टमेंट देखो, उनके अंदर हर किसी की वर्दी और कैप अलग किस्म की होती है, उससे पता चलता है कि इसकी ताकत क्या है। तो पुराने समय में ताकत का प्रतीक त्रिशूल हुआ करता था, समझे? और भोलेनाथ के त्रिशूल को बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला ये कारक माना जाता था कि भोलेनाथ जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो त्रिशूल के साथ, और संहार करते हैं तो त्रिशूल के साथ करते हैं। भोलेनाथ का ये प्रतीक त्रिशूल बनता है। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ रहे हैं। नवीन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी प्रणाम, मेरा नवीन कोचर है, मेरा जन्म स्थान चंडीगढ़, जन्म तिथि 16 अगस्त दोपहर 2:25 पे चंडीगढ़ में हुआ था। नवीन जी आप सवाल कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो व्यवसाय है अभी पिछले कुछ देर से बहुत डावाडोल चल रहा है, तो कृपया बताएं क्यों इतना और सब ठीक कब होगा? बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध और शुक्र का मेल जो भाग्य स्थान के अंदर बैठा है ये बहुत खराब है। और इस योग के अंदर अगर केतु खराब हो तो बेटा जिंदगी के अंदर चाहे गृहस्थी के सुख हो, और खास तौर पे तुम्हारे यहाँ पुत्री के उत्पन्न होने के बाद में गृहस्थी के सुख और काम के सुख दोनों के अंदर बहुत ही तकलीफ हो गई होगी। मंगल और केतु का मेल बेटा काम करने की ताकत तो बहुत देता है, लेकिन ये अपनी जुबान के अंदर एक कड़वापन भी दे देता है, या फिर अपने अंदर गुस्से की मात्रा को ज्यादा बढ़ा करके ये हालात को खराब करता है। इसके लिए उपाय, सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसे जल प्रवाह करो, और 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के नीम के पेड़ की जड़ में या उसके तने के अंदर गाड़ो। फिर उसके बाद दूसरा उपाय, 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धोकर के उसको वीरान जमीन में दबाओ। 7 तरह के फल जब लेने बेटा उसमें एक बाजरे की मुट्ठी जरूर होनी चाहिए, उसको एक फल मान लो। और 7 तरह का दूध, गाय भैंस बकरी, समझे, गंगा जल, अपने घर का पानी और 2 मंदिरों का पानी, ये मिलाकर के ये 7 तरह के दूध हो जाएंगे। इसके अंदर वो 7 फल धोकर के तुम्हें 6 मंगलवार बेटा वो वीरान जमीन के अंदर दबाना है, और साल में एक बार 8 किलो उड़द साबुत में सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना है, और हर बृहस्पतिवार को कम से कम 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह करना। बेटा ये उपाय करके देख, हर तरह के दुख दूर होंगे, गृहस्थी से संबंधित, औलाद से संबंधित, कमाई से संबंधित। बेटा ये तीनों हिस्से अच्छे होकर के तुम जिंदगी के अंदर सुख पाओगे। दाता सुख।
आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है और अपना सवाल पूछना है डिटेल्स के साथ में। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। एक फेसबुक कॉलर है ललित अम्बाला से, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरु जी मेरा जन्म है 21 जून 1968, समय सुबह 9:30 और अम्बाला हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है इस वक्त। बेटा तुम्हारे ऊपर राहु की दशा चल रही है जो 22 जनवरी 2010 से स्टार्ट है, और इस महादशा के अंदर जैसे ही ये शुरू हुई, यानी कि बुध जो तुम्हारे लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ है, बुध जब भी लाभ स्थान के अंदर बैठ जाता है बेटा, अब तुम किसी भी चीज पे पैसा लगाओ वो खराब। तो इसके लिए उपाय लिखो बेटा, सबसे पहले 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करो। साल में एक बार कांसे के कटोरे के अंदर देसी घी का हलवा बना करके डालो और देसी घी को गर्म करके उसके अंदर डाल दो बेटा, तर कर दो उसे, और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के उसमें मुंह देख करके राह चलते किसी भी गरीब को दान में दे दो। ये साल में एक बार तुमने जरूर करना है। और उसके बाद में 27 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो, और तांबे का एक छेद वाला सफेद रंग के धागे में पिरो करके अपने गले के अंदर धारण करो बेटा। जब ये उपाय तेरे हो जाए उसके बाद हर शनिवार को शनि की वस्तु का दान करना शुरू। इसके बाद में बेटा कोई ऐसा सीन नहीं रहेगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो अब तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप चल माय लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी किस्मत का हाल खुद जान सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुजी से बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आज हम बात कर रहे हैं शिव के स्वरूप की। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं, आपके फ्यूचर से जुड़े सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन्स में ये ऐप की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद आप अपने फ्यूचर से जुड़ी सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। साथ ही आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी भोलेनाथ के गले में भी सांप रहते हैं हमेशा, उसका क्या मतलब है और उससे क्या फायदे होते हैं? बेटा जो भी इंसान गृहस्थी में होता है, जिसके घर पे माँ भी हो, बहन भी हो, बाप भी हो, भाई भी हो और पत्नी भी हो, और जब ये सारे होते हैं तो इनसे जुड़ी हुई सारी रिश्तेदारी भी होती है, और उनके द्वारा दिए हुए बहुत सारे सुख और दुख ये भी होते हैं, और रोज हर किसी की डिमांड या किसी का नाराज होना या किसी का खुश होना, ये सारे सांप ही तो है जो घर के बड़े के गले में होते हैं। हर किसी को खुश रख के चलना, हर किसी की डिमांड जरूरतों को पूरा करना, हर किसी की ख्वाहिश को समझना और उसके मानसिकता को समझना, बेटा यही गले के अंदर सांप होते हैं। मान लो घर के अंदर आप बड़े हो, आपकी जो पत्नी है मान लो वो गर्म स्वभाव की है और माँ है वो भी गर्म स्वभाव की है, तो ऐसी अवस्था के अंदर दोनों का सामंजस्य अपनी ही बातों से बनाना, पत्नी को कहना कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, कि वो हर सोच को सोच कर काम बहुत अच्छे कर सकती है, लेकिन आपका जो भाई है या आपका जो पार्टनर है या आपका जो रिश्तेदार आपके साथ लगा हुआ है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर पाता, उल्टा गुस्से में और झला जाता है, उसको प्यार से हैंडल करना, टैकल करना और उसको समझा बुझा करके उससे सही काम निकलवा लेना, ये गले के अंदर के सांप ही तो है और क्या है। तो बेटा आपके अंदर का सब्र, आपकी समझदारी बेटा, यही इंसान को एक भोलेनाथ के रूप में घर में स्थापित करती है।
इन सबको बजाय कड़वा बोल बोल के तोड़ देना और इन सबको बल्कि अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी मीठी बोली से इनको जोड़ के रखना परिवार को, यही भोलेनाथ का सब रूप है। और आजकल यही सब्र खत्म हो रहा है, इसीलिए दुनिया से भोलेनाथ का स्वरूप भी खत्म हो रहा है, समझे? क्योंकि जितनी ये न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही हैं, अपनों के द्वारा दिए हुए दुखों को सहने की ताकत जो घटती जा रही है, बेटा उन लोगों के पास में सच में ना तो पूरा नाम रहा ना ही पूरा काम रहा। अगर वो प्रोफेशनल रहे भी है तो जब उसमें गिरावट आ गई तो आप देखो उनकी जिंदगी कितनी बुरी हो गई। इसीलिए जिंदगी के अंदर ये अपने गले के अंदर सांप डाल के चलो, अपनों को अपने साथ रख के चलो, अपनों को भले ही उनके स्वभाव खराब है कि जो दे दिया परमात्मा ने दे दिया, बस उनके स्वभाव को समझते हुए उनको एक करने के लिए, उनको समझदारी के साथ अपने साथ चलाने के लिए क्या करना चाहिए, बस इस सोच को जगा के रखो और उसके लिए हमेशा कोशिशें चालू रखो, समझे? कभी कभी हालात बिगड़ जाते हैं, लेकिन बेटा उन बिगड़े हुए हालातों के अंदर भी धैर्य रख करके अपनों को सबको जोड़ के चलाना, यही भोलेनाथ का स्वरूप है। और ऐसे में ही फिर नीलकंठ धारी भी बने, गले में सर्प भी बने, और जो ऐसे जोड़ के चलता है वही, उसी के तो हाथ में त्रिशूल होता है और वही तो डमरूधारी होता है। गुरु जी, अब हम भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्र जो विराजित है उसके बारे में जान लेते हैं। उस स्वरूप का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा चंद्रमा, चंद्रमा को ज्योतिष के अंदर भी बहुत ज्यादा धैर्य, शांत, ममता में माना गया है। और बहुत अच्छी समृद्धि का कारक कौन सी समृद्धि? जिसमें घर का फर्श होता है, यानी कि घर का जो फर्श होता है वो चंद्रमा, जो बाहर खेती की जमीन या उपजाऊ जमीन होती है बेटा वो शुक्र होता है, समझे? तो ये चंद्रमा भोलेनाथ के सर पे क्यों विराजता है? वो इसलिए कि इंसान को बहुत अच्छा ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि चौथे घर का चंद्रमा बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी देता है, यानी कि ज्ञानवान होना चाहिए। फिर ऐसा इंसान इतना मीठा होता है कि हर किसी के साथ मीठी बोली बोल करके, एक दूसरे के साथ दिल मिला करके एक स्थान पे रहना, बेटा ये भी चंद्रमा ही गुण देता है। फिर सामने वाला चाहे कितना भी चलाक हो, उसको समझ करके, उसकी चलाकी उसको कहे बिना प्यार से उससे रिक्वेस्ट करके अपने काम को निकलवा लेने की जिसके अंदर ताकत होती है, वो भी चंद्रमा। तो बेटा ऐसी सारे ज्ञान, ऐसा सारे धैर्य और ऐसी समृद्धि का जो मालिक होगा उसके सर के ऊपर तो चंद्रमा विराजमान होना ही चाहिए। और जो इंसान पूरी दुनिया को बड़े प्यार से अपने पास रख लेने की ताकत बनाता है, अपने साथ जोड़ करके, उनसे मेल जोल बढ़ा करके अपने ही समाज को, अपनी ताकत को बड़ा कर लेने की जो उसके अंदर ताकत हो बेटा, उसी के तो सर पे चंद्रमा विराजमान हो। तो ये आपके घर में आज की डेट में कैसे चंद्रमा हो, जिसके जिसने भी ये धैर्य के साथ अपना काम धंधा बढ़ाया, अपनों को साथ लेकर के चला और ये दुख सह करके चला और प्लानिंग के साथ चला, और उसका घर जिसका बहुत ही खूबसूरत बन गया और जिसके घर का फर्श बिल्कुल बहुत ही सुंदर पत्थर के साथ बना हुआ या सीमेंट के साथ बना हुआ हो, और उसके घर का फर्श टूटा फूटा त्रेड़े आया हुआ नहीं हो, तो समझ लीजिए उसके घर का चंद्रमा बहुत उत्तम है। और ऐसे में अब उस घर के अंदर रहने वाला जो भोलेनाथ है, समझ लीजिए उसके चंद्रमा भी उसके सर पे विराजमान है और अब जिंदगी के अंदर सदा सुखी है। गुरु जी, शिव जी के तांडव और त्रिनेत्र का क्या संबंध होता है? बेटा हम इंसान हैं और पूरी सृष्टि में जितने भी जीव बने हैं बेटा, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है, लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जिसके पास में हर तरह का दिमाग है। इसके जो लेफ्ट साइड का दिमाग है बेटा, वो दिमाग है नॉर्मल काम करने के लिए, अच्छा सोच विचार करके चलने के लिए और अच्छे बुरे की परख करने के लिए। जो हमारा राइट साइड का दिमाग है, ये अगर थोड़ा सा भी खुलता है बेटा, तो ये एक बड़ी ही अलग शक्ति इंसान को देकर के उसे दूसरे लोगों के अंदर विलक्षण बनाता है, जिसके पास में खास ताकतें होती हैं, खास ज्ञान होता है और खास युक्तियां होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम काज के अंदर बहुत ही अच्छी तरक्की करता है, जिसे आप सिक्स्थ सेंस भी बोल देते हैं, समझे? ये दो तरह के दिमाग हुए,
और तीसरी तरह का दिमाग ये हमारा आगे वाला होता है। आगे वाला दिमाग ये जब जागता है ना बेटा, ये सिर्फ तबाही मचाने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए और बहुत ज्यादा विध्वंसक होकर के अपना हाल और लोगों का हाल खराब करने के लिए होता है। इसीलिए जब सती मैया के जाने के बाद भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया, यानी कि गुस्सा आ गया, यानी कि एक शांत इंसान को भी जब उसके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है, उसके अपनों के ऊपर विपत्ति आती है, तो बेटा उसको गुस्सा आ सकता है। और उसका गुस्सा कहां तक का खतरनाक हो सकता है, तो वो चीज दिखाती है भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलने से, यानी कि ये तीसरा, यानी कि ये आगे वाला दिमाग खुल गया और अब जो सामने आया उसकी खैर नहीं। इसका गुस्सा यानी कि त्रिनेत्र से निकलने वाली जो अग्नि है, उसके अंदर जो सामने आएगा वही भस्म हो जाएगा। ये सब रूप दिखाता है भोलेनाथ का त्रिनेत्र का खुलना और तांडव। गुरु जी, रुद्राक्ष का क्या संबंध होता है शिव जी से और हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है? बेटा, रुद्राक्ष के लिए कहा जाता है कि ये भोलेनाथ के अश्रु थे और ये अश्रु जहां गिरे वहां वहां रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ। अब अश्रु यानी कि हमारे अंदर के वेग ने जो एक पूरी संवेदना पैदा करी और उसके द्वारा भावुक होकर के जो आंखों से पानी निकला, यानी कि अंदर की ऑक्सीजन के साथ पानी मिलकर के जो बाहर आया बेटा, वो रुद्राक्ष का स्वरूप बना, यानी कि वो पेड़, उसके ऊपर आने वाला वो फल जिसके अंदर ऑक्सीजन की भरमार है और वो गुण है कि वो ऑक्सीजन को भी अब्सॉर्ब करके आपके शरीर के अंदर अच्छा फैलाएगा। समझे, ये रुद्राक्ष को हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता है क्योंकि ये चंद्र और बृहस्पति इन दोनों के मेल का कारक है रुद्राक्ष। तो इसीलिए लगभग हर पूजा पाठ के अंदर रुद्राक्ष को बहुत काम का माना गया है। जिस भी इंसान को गुस्सा बहुत आता है, जो भी इंसान अपने आप को सहमित नहीं रख पाता, किसी भी सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल विचलित हो जाता है बेटा, उस इंसान को पांच मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला का एक विधान है बेटा कि जो लोग पूर्ण रूप से बिजनेस के अंदर हैं, वो लोग अगर रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे तो बेटा उनके कामकाज के अंदर खराबी जरूर आएगी। लेकिन जो लोग अध्यात्म में पूरी तरह से उतर चुके हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके घर के जो कामकाज हैं उनकी जिम्मेवारियां अपनों ने उठा ली हैं, अब वो उनका काम है समाज को ज्ञान देना, समाज का भला करना, लोगों का भला करना, अपने परिवार को प्यार से चलाना और परमात्मा का नाम लेना, जो लोग सिर्फ ये करना चाहते हैं और काम धंधे नहीं करना चाहते, उन लोगों को रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए और काम धंधे वाले इंसानों को रुद्राक्ष माला नहीं धारण करनी चाहिए। क्योंकि काम धंधे के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन होना और थोड़ी सी तेजी और चलाकी होना बहुत जरूरी है, तभी काम धंधे चलेंगे। अगर इंसान काम धंधे को करते हुए चलाकी से विमुख हो जाए, तेजी से विमुख हो जाए, तो काम धंधा वैसे ही बैठ जाएगा। इसीलिए बेटा रुद्राक्ष सिर्फ बुजुर्गों के गले में या परमात्मा का नाम लेने वालों के गले में या परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्तियों को, जिनको यही मकसद है कि उन्हीं को ग्रहण करना, उन्हीं को पाना है, तो उनके हाथ में और गले में मालाएं शोभा देती है। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरु जी से चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गुड़गांव से रेखा जी जुड़ गई है लाइव। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी, मेरा नाम रेखा यादव है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विवेक यादव है, उसका जन्म स्थान रेवाड़ी है और वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1997 है। रेखा जी, आप सवाल कर सकती हैं। उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी और उसका आगे फ्यूचर कैसा रहेगा? बेटा, मंगल और राहु का मेल इसकी जन्म कुंडली के अंदर, जो इसके स्वास्थ्य के लिए और इसके गुस्से के लिए दोनों ही तरफ से खराब है। अगर ये बच्चा
जिद अपनी बहुत बढ़ा गया तो भी मामले खराब है और सेहत के लिए तो पहले ही इसके अंदर इम्यूनिटी के लिए काफी कमजोर योग है बेटा। दूसरा इसका बुध है अष्टम भाव का। अष्टम भाव के बुध बेटा काम धंधों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने देते। हाँ बच्चा अगर थोड़ा प्रोफेशनल बन जाए यानी कि किसी भी काम को खास सीख करके उसके मास्टर बनना, बेटा अगर ऐसे किसी काम में जाकर के नौकरी करे या अपना ही प्रोफेशन चालू करके बेटा उसको ये चलाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए बेटा बिजनेस नहीं ये तेरा बच्चा कर सकता है, इस बात का खास ध्यान रखना। अब ऐसी अवस्था में बेटा इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए इसका गुस्सा भी जाना पड़े और सेहत भी अच्छी रहे और आगे ये जिंदगी के अंदर तरक्की करे, इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। इसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन उपायों के बाद, पहले इस चीज का खास ध्यान रखना। और वो उपाय है सबसे पहले बेटा इसको जब भी खाना खाना है ये रसोई घर के अंदर खड़ा होके या बैठ के खाना खाए जहां चूल्हा जलता है बेटा, और खास तौर पे बिस्तर पे बैठ के भूल के भी इसे खाना नहीं खाना, इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। इससे इसकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। और दूसरा बेटा मंगल के इलाज यानी कि हर जन्मदिन के बाद 12 दिन लगातार 12-12 ग्राम गुड़ मंदिर के अंदर देना और साल में एक बार मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन में दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इसके सेहत और गुस्सा दोनों के लिए खराबी के इलाज पैदा हो। तीसरा अगर इसका नाक तुमने बीच में से 100 दिन के लिए छिदवा दिया बेटा तो ऐसे में इसको जो बार बार डिप्रेशन वाले हालात बनते हैं ये चिड़चिड़ा हो जाता है और बात समझ नहीं आती बेटा, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तेरा बेटा कामयाब होगा। फिर इसके बारे में बृहस्पति वो भी नीच के बैठे हुए, उसके लिए हर बृहस्पतिवार को 40 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह करना कम से कम एक साल तक, ये बहुत जरूरी है। इन उपायों के बाद में अगर तुम इसे फार्मेसी वगैरह का कोर्स करवा करके अगर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेके देते या आयुर्वेदिक डॉक्टरी इससे करवाते हो तो बेटा इसका भाग्य सदा के लिए उत्तम रहेगा और अपने जीवन के अंदर अपने कार्यों को करके अच्छी गृहस्थी चला करके ये संभव जिएगा, वरना पहले ही सेहत और गुस्से के खराब के हालात वो उपाय करने के बाद ही ठीक हो। दाता सुन, अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुष्यंत जी हैं बुलंदशहर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। सर डेट ऑफ बर्थ है मेरी 4/8/77, टाइम 7:10 शाम का, स्थान बुलंदशहर। क्या जानना चाहते हैं? ग्रोथ, लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी पिछले 4 साल। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक तरफ योग ऐसा बैठा हुआ जो कहता समृद्धि पूरी देगा, किसी चीज की तुम्हारे को कमी नहीं देगा और जिंदगी के अंदर ऐश भी पूरी देगा, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर दो योग खराब है, एक मंगल चौथे घर का और दूसरा राहु अष्टम भाव का। बेटा ये जिंदगी के अंदर बार बार अपने भाग्य को धोखा देता है, अपने ही लोगों के द्वारा धोखा दिलवाता भी है और यही बेमतलब की मुसीबतें समय समय के ऊपर परिवार के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में और धन के मामले में ये कुछ ना कुछ कमियां डाल के रखता है। इसका इलाज बेटा मंगल और राहु का इलाज करो और जिंदगी के अंदर सदा सुखी बसो, इसके बाद तुम्हारे को कोई नुकसान के हालात नहीं बनेंगे। और वो उपाय है सबसे पहले बेटा 101 नारियल पूजा वाला लेकर के उसको जल प्रवाह करो। दूसरा हर साल अपने जन्मदिन के आसपास 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के उसको जल प्रवाह करो। तीसरा बेटा अपनी जिंदगी के अंदर नियम बना लो कि कभी भी साउथ फेसिंग घर के अंदर नहीं रहोगे, तांबा और चांदी ये मिलाकर के एक छल्ला बनवा करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के जल प्रवाह करो। इन उपायों के बाद आखिरी उपाय, हर बृहस्पतिवार को खट्टी मीठी फ्रूट की चाट, आलू वगैरह शकरकंदी डाल के ये बनानी है और इमली डाल के ये चाट बनानी है और बेशक 5-7 चाहे 10-20 अपनी समर्था के अनुसार हर बृहस्पतिवार को ये खट्टी मीठी चाट बांटते चलो और जिंदगी के अंदर सदा सुखी रहोगे, संपन्न रहोगे। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की, गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर भोलेनाथ की बात हो रही है तो नेचुरली बात है जो भोलेनाथ का गुण है यानी कि चंद्रमा यानी कि धैर्य, इसी के ऊपर आज का गुरु मंत्र होगा। तो वो क्या है?
जिस भी इंसान का चंद्रमा अच्छा हो जाता है वो जिंदगी के अंदर सदा सुखी स्वस्थ तंदुरुस्त और समृद्ध रहता है, समझे। तो ये चंद्रमा को हम अपने जीवन के अंदर प्रबल करें तो करें कैसे, उसके लिए इस धरती पर सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो कौन है, वो हमारी माँ। दूसरा, हमारे आसपास के माहौल के अंदर जितनी भी वृद्ध स्त्रियां हैं बेटा, वो सारी की सारी चंद्रमा है, क्योंकि सबके अंदर ममता में रही है, अपने बच्चों के लिए ही बने रही हो। तो अब उनके पास से उस एनर्जी को लेना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बेटा, जो भी लोग अपने माँ के, अपने आसपास के माहौल के अंदर जो भी वृद्ध स्त्रियां होती है उनके पांव हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद लेता है, उसको बेटा चंद्रमा गुण उनसे विरासत के रूप में ही मिलता है। तीसरा बेटा, बुजुर्ग आश्रम जहां पर बुजुर्ग रहते हैं लेकिन निसहाय हैं, जिनका सहारा नहीं है, उनके बीच में जाकर के उनको कुछ ना कुछ देना और उनका आशीर्वाद भी साथ में लेकर के आना, बल्कि दे करके घमंडी बन के नहीं आना, बल्कि उनको देना भी और उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना। और विधवा आश्रम जहां पर निसहाय औरतें जो कि विधवा है, जिनकी जिंदगी के अंदर कोई चाव और उमंग ज्यादा नहीं बचा है, वो अपने जीवन से अस्थिर हो चुकी है बेटा, उनके बीच में जाना, उनकी दुख की व्यथा सुनना और उनकी जरूरत के अनुसार उनको कुछ ना कुछ देकर के प्रणाम करके आना बेटा, ये वाली जो एनर्जी है ये सारी की सारी चंद्रमा। क्योंकि सुख हमेशा दुख में से पैदा होता है और दुख हमेशा सुख में से पैदा, तो दुखी लोगों की आप जब मदद करके खुशी के रूप में उनका आशीर्वाद लेंगे तो बेटा वो चंद्रमा की एनर्जी होती है जो आपकी बुद्धि को धैर्य देकर के जीवन के अंदर आगे बढ़ाती है। और जिस जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाता है और अपने घमंड के रास्ते में वो अपने पर आश्रित लोग या अपने पर आश्रित जो समाज के वो लोग जो समृद्ध नहीं है उनको जब तिरस्कृत करता है, उनको छोड़ता है, तो बेटा समझ लो चंद्रमा उसके घर से निकलता है। और जिसके घर से चंद्रमा निकल जाता है वो अपने परिवार को भी एकजुट नहीं रख सकता और अपनी कमाई को भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं रख सकता। और जो इंसान इन लोगों की सदा मदद करके हमेशा झुक के चलता है और घमन को पास नहीं आने देता, वो सदा अमीर भी रहता है और परिवार को भी एक रखता है और बुढ़ापे तक वो ज्यादा शक्तियों के साथ प्रबल इंसान बन जाता है और ऐसा इंसान बन जाता है कि जिसका दूर दूर तक डंका बजता है। तो इसीलिए सदा झुक के रहें, जरूरतमंदों की मदद करें, माताएं और खासतौर पर विधवा औरतों का आशीर्वाद लेते रहें ताकि आपका चंद्रमा अच्छा रहे और भोलेनाथ की कृपा ऐसे में आपके पूरे परिवार पे बरसती रहेगी और जिंदगी में सुख आप मनाते हैं। आज का शो देखने के बाद शिव जी का स्वरूप आपके जीवन को जरूर बदलेगा। शिव का हर नाम आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। बस शिव जी से जुड़े गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। भोलेनाथ सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे। आप कल का विषय जान लीजिए। अगर आपकी शादी आपके घर वालों ने तय कर दी है या आप लव मैरिज करने वाले हैं तो हमारा कल का शो देखना ना भूले। कल गुरुदेव बताएंगे आपके लिए लव या अरेंज मैरिज में क्या सही है, शादी के बाद प्यार बढ़ाने वाले उपाय भी होंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।